यशायाह अध्याय तीन। यशायाह अध्याय तीन। सुनो, प्रभु सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यरूशलेम के और यहूदा के सब प्रकार का सहारा और सिरहाना दूर कर देगा, अर्थात अन्न का सारा आधार और जल का सारा आधार, वीर और योद्धा को, न्यायी और नबी को, भावी वक्ता को और वृद्धों को, 50 सिपाहियों के सरदार और प्रतिष्ठित पुरुषों को, मंत्री और चतुर कारीगर को और निपुण टोने को भी दूर कर देगा, और मैं लड़कों को उनके हाकिम कर दूंगा और बच्चे उन पर प्रभुता करेंगे, और प्रजा के लोग आपस में एक दूसरे पर और हर एक अपने पड़ोसी पर अंधेर करेंगे, और लड़का वृद्ध से और नीचजन रईस से टिढ़ाई करेगा। उस समय जब कोई पुरुष अपने पिता के घर में अपने भाई को पकड़कर कहे कि तेरे पास तो वस्त्र है, आ तू हमारा न्याय हो जा और इस उजड़े देश को अपने वश में कर ले, उस समय वह शपथ खाकर कहेगा कि मैं चंगा करने हारा न हूंगा, क्योंकि मेरे घर में न तो रोटी है और न कपड़े, इसलिए मुझको प्रजा का न्याय मत नियुक्त करो। यरूशलेम तो डगमगाता और यहूदा गिरता है, क्योंकि उनके वचन और उनके काम यहोवा के विरुद्ध है और उसकी तेजोमय आंखों के सामने बलवा करने वाले ठहरते हैं। उनका चेहरा ही उनके विरुद्ध साक्षी देता है। वे सदोमियों की नाई अपने पाप को आप ही बखान और नहीं छिपाते। उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है। धर्मियों के विषय कहो कि भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। दुष्ट पर हाय, उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती है। हे मेरी प्रजा, तेरे आयुगे तुझे भटका देते हैं और तेरे चलने का मार्ग मिटा देते हैं। यहोवा देश देश के लोगों से मुकदमा लड़ने और उनका न्याय करने के लिए खड़ा है। यहोवा अपनी प्रजा के वृद्ध और हाकिमों के साथ यह विवाद करेगा कि तुम ही ने बारी की दाख खा डाली है और दीन लोगों को का धन तुम लूटकर अपने घरों में रखते हो। तुम कौन हो कि मेरी प्रजा को दलते और दीन लोगों को पीस डालते हो? प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। यहोवा ने यह भी कहा है कि सियोन की स्त्रियां जो घमंड करती और सिर ऊंचे किए आंखें मटकाती और घुंघरुओं को छमछमाती हुए ठुमक ठुमक चलती है, इसलिए प्रभु यहोवा उनके चुंडे को गंजा करेगा और उनके तन को उघरवाएगा। उस समय प्रभु घुंघरुओं, जालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कंडों, घुंघटों, पगड़ियों, पैकरियों, पटुकों, सुगंध पात्रों को, गंडों, अंगूठियों, नत्थों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों, चदरों, बटुओं, दर्पणों, मलमल के वस्त्रों, बुट्टियों, दुपट्टों, इन सबों की शोभा को दूर कर देगा और सुगंध की संति सड़ाहट होगी और सुंदर करधन की संति बंधन की रस्सी और गुंथे हुए बालों की संति गंजापन और सुंदर पटुकों की संति टाट की पेटी और सुंदरता की संति दाग होगा। तेरे पुरुष तलवार से मारे जाएंगे और शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे और उसके फाटकों में सांस भरना और विलाप करना होगा और वह भूमि पर अकेली बैठी रहेगी।